हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं दादी को अभी वॉशरूम से लेकर लेकर जा रही हूँ बाहर। बाहर धूप निकल गई है, पहले मैं बच्चों का पूरा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर दादी का होता है और फिर मैं उसको बाहर रख देती हूँ। दादी को खाना खुना खिलाने के बाद फिर वो सो जाते हैं। तो अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो क्लीनिंग क्या कर रही हूँ अभी ना, मैंने सारे सर्दियों के कपड़े निकाले हुए हैं, तो मैंने कहा सर्दियों के कपड़े उठा देती हूँ पूरे, जितने भी यहाँ थे। बाकी तो कुछ सुंदरनगर में भी हैं, वो मैंने पूरे कपड़े निकाले और मैंने कहा जो अलमीरा बनी हुई है अभी अभी उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो उसको मैं ऊपर रख दूंगी। पहले आपने देखा था कि मैंने पूरे ये कपड़े पहले बाहर धूप में सुखाए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ। कुछ जैसे वो गर्मियों के कपड़े हैं ना, वही मैंने धूप में सुखाए थे, बाकी सर्दियों के कपड़े तो जैसे हम पहनते ही थे, तो अभी मैं इनको डायरेक्ट रख दूंगी। जब सर्दी आएगी फिर से तो फिर से ये निकाल के पहनूंगी। लेकिन वो अलग बात है कि अभी हमारी सर्दी उठ नहीं रही है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है जैसे बारिश हो रही है वैसे ही फिर से ये हो जा रहा है, वैसे ही फिर से ठंड हो जा रही है। तो फिर मैंने एक ही स्वेटर रखी है बाहर। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया ना, हैंगर पे जो भी की फ्रॉक वगैरह जो भी डिजाइनर कपड़े थे या उसके पापा के जो भी सूट वगैरह थे और कोट पैंट थे, वो सब कुछ अपने गाउन वगैरह वो मैंने सब हैंगर में लटका के रख दिए। हैंगर ज़्यादा तो नहीं थे, बस 7-8 हैंगर हैं शायद। और ये जो गाउन मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये मैंने अपनी जेठ जेठानी की शादी को लिया था, तो ये पूरा बस उनकी शादी में सिर्फ एक बार ही पहना है। कुछ ऐसे गाउन और ड्रेसेस हैं जो सिर्फ हमने एक एक बार ही पहनी है और वो बस ही पड़ी रह गई हैं ऐसे। तो इनको भी सोचा हैंगर में क्या होता है, सेफ रह जाते हैं कपड़े। अंदर वाले अलमीरा में इतनी जगह नहीं थी, तो फिर मैंने बाहर ये सारे लगा दिए अपने भी और शुभी के पापा के भी और शुभी और शिवा के भी जो भी डिजाइनर कपड़े हैं। और एक बात और मैं वो बोलना भूल गई, तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, एनिवर्सरी वाला ब्लॉग है। थैंक यू सो मच, मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी में, उसमें आपने इतना सारा ब्लेसिंग मुझे दी है, थैंक यू सो मच आपका। पतिदेव घर पे है नहीं तो हम सेलिब्रेशन ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो आप, कहाँ ले जाओगे मेरे को, आप कहाँ ले जाओगे? हाँ जब मैं हैं जब जाओगे तब बाल पकड़ के ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे हाथ पकड़ के मेरे को? मम्मा सिखाई नहीं है, है नहीं है। मम्मा सिखाओ। जैसे बूढ़ी दादी को ले जाते हैं वैसे। सुबह से अभी रात हो चुकी है और पूरा दिन भर मेरे बस वही सेटिंग हुई है। अभी भी थोड़ी बहुत सेटिंग मुझे करना रह गई है सिर्फ कपड़ों की, उसके बाद बहुत सारी पूरी अलमीरा मैंने खाली कर दी है ये वाली। इसके साथ अभी ये भी है जो इसके पापा ज्यूरी से लेके आए थे, सभी के पापा, तो वो भी है अभी। मतलब बहुत सारा काम है अभी जो धीरे धीरे मैं निपटा रही हूँ। आज मैंने पूरे सुखाने डाले थे वो भी बाहर। तो शिवा लाइट ऑफ करके आना, बाथरूम की लाइट ऑफ करके आओ। चल कोई बात नहीं, आ जाओ रात के, अभी पता कितने 11:15 हो गए हैं। ठीक है सो जाओ, ठीक है सो जाओ, तो सो जाओ पैर बच्चे प्लीज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतनी सारी विशेस देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। नहीं मुझे बात नहीं करने देगा। क्या हो गया? टॉर्च की लाइट नहीं जलाई? ठीक है मैं बंद करके आई लाइट। ठीक है अभी बाय बोल दो, बोलो बाय, गुड नाइट। मम्मा पापा की शादी में शिवा कहाँ था? तो उसके बाद यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ये सैटरडे वाले दिन का ब्लॉग है। तो सैटरडे को ना सुबह का एग्ज़ाम था, नवोदय का एग्ज़ाम इसने भरा हुआ था, तो फिर वही इसको बहुत शौक है कि मैं हॉस्टल की लाइफ जीऊँ। मतलब आजकल इसको बहुत चढ़ा हुआ कि अपने फ्रेंड्स के साथ में हॉस्टल की लाइफ जीऊँगी। तो मैंने कहा एक बार जाइयो तो 2 दिन रहने के बाद ही फिर मना कर देगी, तो बस इसको पेपर देने मैं ले जा रही हूँ अभी। सुबह सुबह का टाइम है ये, लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाम होगा। और यहाँ पे आप देख हाँ खड़ी हो सकते जाओ हो उस तरफ। सुबी रेडी हो चुकी है इस, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो हम बस बस का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ थैले वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि सामान वगैरह भी लाना होता है, तो इसलिए फिर मैं थैले वगैरह डाल रही हूँ बैग में। और सुबी को छोड़ दिया है, उसके बाद हम चले गए थे मेले में। मेले में अभी बस क्लोजिंग हो रही है, कुछ थोड़ी बहुत शॉप्स हैं बाकी निकल गई हैं सारी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सुबी पेपर दे के आ भी गई है, उसी से पूछेंगे कैसा हुआ उसका एग्जाम। है मार्केट से ये, अभी अंधेरे में क्या दिखा रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो बाहर जाती हूँ, आ जा। हाँ तो कैसे हुआ पहले वो तो बता। टेस्ट तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पूरे कवर अटेम्प्ट किए हैं? हाँ पूरे अटेम्प्ट किए हैं सब कुछ। हाँ कितने गलत किए, कितने आते थे तुझे, क्या लगा? ऑलमोस्ट सभी आते थे ना,
ऑलमोस्ट सभी आते थे। हाँ ऑलमोस्ट बस ये फेंकती है और कुछ भी नहीं है। नहीं सुनो सुनो मैथ्स के मैथ्स के मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करके किए हैं और 10 क्वेश्चन 15 थे तो कम है 20 थे सॉल्व करके टाइम नहीं बचा था ना तो टाइम बचाना था ना पहले देखना 20 मिनट रहे थे लास्ट के फिर देखो फिर मैंने मार्केट में ली है ये सीवरा सीवरा हेलीकॉप्टर दिखा दो अपना न्यू मम्मा ये क्या है कहाँ डाला न्यू हेलीकॉप्टर ये क्या है ऑर्बिट ऑर्बिस ऑर्बिट है ये ऑर्बिट तो ऑर्बिस ऑर्बिट ऑर्बिस ओके तो ये है ऑर्बिट मेरा मतलब क्या हर बार मुझे भी बस आते हैं ये नहीं देखो यार भी मैं इनको डालूंगी पानी में क्या है ये देखो ये पहली बार पहले मैं लेना चाह रही थी जब मैं पहले गई थी ना मेले से लिया ये और ये ना टूटेगा नहीं क्योंकि पहले वाले हेलीकॉप्टर को टूट तोड़ दिया पूरा उसके अंदर बंजर डीले कर दिया इसका पता क्या है यहाँ पे इसकी नोज में एक बटन दिया हुआ है इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा ये रोबोट बन जाएगा रोबोट बन जाएगा ये देखो और ये है भी सॉलिड इसको फेंकेगा भी तब भी नहीं टूटेगा मैं फेंक दे ऐसे बंद करने से ये मैं नीचे फेंक दो हेलीकॉप्टर फेंक दो छत से नीचे एरोप्लेन है दिस इज एरोप्लेन छत से नीचे फेंक दो अच्छा मैं इसको पानी में डालती हूँ इसको मैंने एक बनाने के लिए नॉर्मल मैंने कॉलेज जिसमें मैं पानी भरूंगी मैं नहीं भरूंगी नहीं मिला और भी सारा मैंने इसमें भर दिया पानी और कहाँ रखूँगी इसको ये तो नीचे रख दिया मैंने ऑर्बिस ऑर्बिस में लूँगी थोड़ी सी आप सारी नहीं डालूंगी एक बार में ओके 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 फिर फूलती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मैं अभी इतनी सी डालूंगी आपके सामने डालती हूँ जगह थोड़ी सी डाल दिया अरे गिर गई भी नीचे अरे फूल जाएंगे जब तक हम जाएगी को घुमा के आएंगे।